और अब 24 के चौसर में बात उस सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल की जो चुनाव के दौरान सामने आया और जिसके पीछे है ये चेहरा। जिस सेक्स स्कैंडल का शिकार बनी है हजारों महिलाएं, जिसका आरोपी है देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता जो खुद एक सांसद है, लेकिन जिसके अपराध की जड़ें इतनी दूर दूर तक फैली हैं कि जिससे न तो उसके घर में काम करने वाली महिलाएं बच पाई, न पार्टी में शामिल महिला नेत्रियां, न कार्यकर्ता और ना ही नजर में आने वाली कोई महिला पुलिसकर्मी या अन्य कोई महिला। लेकिन प्रज्वल रमन्ना लगातार सांसद के पद को सुशोभित करता रहा, उसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। और ताज्जुब देखिए, 24 के चुनाव में जिस सीट से प्रज्वल रमन्ना फिर माननीय बनने के लिए चुनाव में खड़ा था, उस सीट पर दूसरे चरण में चुनाव संपन्न हो गया और रमन्ना विदेश फरार हो गया और पीछे छोड़ गया अपने गुनाहों की वो फाइल जिसका हर एक पन्ना स्याह नजर आता है। देखिए प्रज्वल रमन्ना की डॉटी पिक्चर और इस पर शुरू हुआ पॉलिटिकल गेम। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी, क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। सरकार ने उनको भागने क्यों दिया जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था? दक्षिण में हंगामा, कर्नाटक टू दिल्ली सियासी दंगल छिड़ा है, सड़कों पर हंगामा है, बीच चुनाव सियासी तनाव है। बताया जा रहा है कि टेप में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो है, जो कि बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रमन्ना का है। इसीलिए बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ता रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच कर्नाटक में कोहराम मचा है सेक्स स्कैंडल को लेकर, जिसकी वजह से कर्नाटक टेप स्कैंडल को लेकर सियासत गर्मा गई। इस अश्लील टेप कांड में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता और बेटा घिर गए। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रमन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता भी है, ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था, तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई? पूर्व पीएम के बेटे एचडी रमन्ना और पोते प्रज्वल रमन्ना दोनों पर यौन शोषण का आरोप लगा है। मेड की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और जांच के लिए एसआईटी भी बैठ चुकी है। आरोप है कि रमन्ना के इस कथित सेक्स स्कैंडल के 2000 से भी ज्यादा वीडियो है। वो जेडीएस का साथ अलायंस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, मगर इसमें क्या है, उसके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट, वो सभी ही उसमें हम देखे हैं। इसलिए मैं क्या बोला, मैं उसका पूरे वीडियो के पिंडर था उसका ड्राइवर के साथ। वीडियो को सबूत बताते हुए ये आरोप लगाए गए और आरोप लगाने वाली दो महिलाएं जो रमन्ना के घर में नौकरी करती थी। आरोपी रमन्ना कर्नाटक के हसन लोकसभा सीट से सांसद है और जेडीएस ने एक बार फिर उन्हें इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां दूसरे फेज के दौरान वोटिंग भी हो चुकी और दावा यह भी है कि आरोपी रमन्ना अभी देश से बाहर है। सरकार ने उनको भागने क्यों दिया जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था, तो इस पे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया कर्नाटका पुलिस ने और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उसका 3 दिन में हमें जवाब भेजे, ऐसा हमने उनसे पूछा। क्या किया है, भगाया गया है या किसी ने हेल्प की है सरकार में, या उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना लेट क्यों लिया, अगर पहले से पता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दिस इज द मैनिपुलेशन ऑफ कांग्रेस टू डिमिनिश द डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द फैमिली हियर।
द वे इन विच द कांग्रेस फ्रेंड्स देर अलेजिंग टुवर्ड्स अवर फैमिली यू कैन सी इट व्हाट इज द रोल ऑफ देवेगौड़ा जी। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी प्रज्वल के चाचा हैं, जिनके मुताबिक जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दैट इज इंडिविजुअल इश्यू ऑफ प्रज्वल रेवन्ना। यू डिस्कस प्रज्वल रेवन्ना? नो, आई हैव नॉट इन कांटेक्ट विद हिम। आई हैव नो कांटेक्ट विद हिम। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द गवर्नमेंट, नॉट माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। मॉरली वी आर डिसाइडेड टू टेक सम डिसीजन। आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के संसदीय क्षेत्र हासन में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। वोटिंग से दो दिन पहले आरोपी सांसद के कथित आपत्तिजनक वीडियो लोगों के बीच पहुंचने लगे और वोटिंग खत्म होते ही प्रज्वल रेवन्ना का देश छोड़ने का दावा किया जाने लगा। आरोप लगाने वाली महिला का दावा है कि वो रेवन्ना के घर पिछले 4 साल से काम कर रही थी और 4 साल से उसके साथ शारीरिक यौन शोषण हो रहा था। पीड़ित महिला की बेटी का वीडियो कॉल से शोषण किया गया। पीड़ित की बेटी ने आरोपी का नंबर ब्लॉक कर दिया था। आरोप गंभीर हैं, लेकिन आरोपी सांसद का ना कोई बयान सामने आया, ना वो खुद सामने आए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और आरोपी की पार्टी जेडीएस का गठबंधन बीजेपी के साथ है और माहौल चुनावी है, इसलिए एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन का चौतरफा हमला जारी है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया, लेकिन क्योंकि आरोपी फरार है इसलिए सियासत भी चरम पर है। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। माहौल चुनावी है। नेहा हत्याकांड में कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर है, लिहाजा प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले को सियासी बनाने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हुबली में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने और गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे कैसा रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेमाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। यानी चुनावी माहौल में प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो न सिर्फ जेडीएस पर बल्कि बीजेपी पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहां बची बाकी 14 सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग होनी है। मित्रों, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुवाहाटी में इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी मातृशक्ति के साथ है। श्री रेवन्ना का
जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? माहौल चुनावी है तो सियासत के इस बिसात में पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। जिसने सियासी दंगल में एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन को दो दो हाथ करने का मौका दे दिया। और ताज्जुब की बात है कि जब तमाम सियासी पार्टियों को इस अपराधी के मामले पर एक सुर में बोलना चाहिए था, इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। तो आखिर ये प्रज्वल रेवन्ना ये कौन है, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड आपको दिखाते हैं। देखिए, कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना, मतलब ये दूसरा टर्म जब इस बार चुनाव में प्रत्याशी बना, 2024 चुनाव में हासन सीट से ही एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा था। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आश्चर्यजनक बात है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं, और उन पर भी यानी पिता पुत्र दोनों पर गंभीर आरोप ये लगे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं जो अभी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस बदनाम करने की साजिश रच रही है। इसके अलावा सेक्स स्कैंडल में नाम आया है, 2000 से ज्यादा वीडियोस का दावा किया गया है अब तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर है ये पूरा मामला। अब ये जो पेन ड्राइव स्कैंडल है, आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे खुला, वो आपको हम समझाते हैं। देखिए, 26 अप्रैल को हासन सीट पर था चुनाव, इसी 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 24 अप्रैल को प्रज्वला के खिलाफ ये जो वीडियो था वो वायरल हो गया। प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए, प्रज्वल की अश्लील तस्वीरें वीडियो क्लिप हासन यानी पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में वायरल हुई। कर्नाटक महिला आयोग ने एसआईटी जांच की मांग की उसी दिन। उसके बाद चुनाव के अगले दिन 27 अप्रैल को एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें 28 अप्रैल को घरेलू सहायिका जो थी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ। फिर प्रज्वल और पिता एचडी रेवन्ना पर यौन शोषण के केस भी दर्ज हो गए। वोटिंग और एसआईटी गठन के बीच प्रज्वल जर्मनी फरार हो गया, यानी चुनाव बीत गया, मतदान भी हो गया और उसके बाद ये शख्स जर्मनी फरार हो गया। अब किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है प्रज्वल रमन्ना पर वो भी देखिए, आपको हम दिखाते हैं। 354A धारा, महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का, इस आरोप में ये धारा लगती है। इसके अलावा 354D, महिला के प्रति अश्लील इशारे, अश्लील टिप्पणी करना, किसी महिला का पीछा करना। इसके अलावा धारा है 506, जान से मारने की धमकियां, जो घरेलू सहायिकाएं थी जो 4 साल लगातार काम कर रही थी, जान से मारने की धमकी देकर लगातार उनको मजबूर किया गया काम करने के लिए। 509, किसी महिला की गरिमा को खंडित करना। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, हम आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है लेकिन रमन्ना फरार है और जिस सीट पर कैंडिडेट था वहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है, जो असर पड़ता अब उसका भी मौका हाथ से जा चुका है आम लोगों के पास। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का यह सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है और बाकी बची 14 सीट जिन पर चुनाव होना है वहां माहौल गर्मा सकता है। बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारी महिलाएं जैसे स्टेट आ रहा है अलेजेडली, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको प्रताड़ित किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, एक दो आगे भी आई हैं, कंप्लेंट भी की है। लेकिन कितना बड़ा इशू है, जितनी महिलाएं सामने आएंगी, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं तथाकथित, उससे पता चलता है कि बहुत सारी महिलाएं थी जो प्रताड़ित हुई हैं और बहुत सीरियस मामला है। जनता दल सेकुलर इस लोकसभा चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, लेकिन हासन के मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कई अश्लील वीडियो में कथित संलिप्तता के आरोप से पार्टी की छवि को गहरा आघात लगा। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इससे गठबंधन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज हर जानकारी इनके पास जाती है, सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। कार्रवाई हमने नहीं करनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। इस मामले में देवराज गौड़ा ने पहले ही बीजेपी को चेता चुके थे। देवराज गौड़ा साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे। उन्होंने तब स्टेट लीडरशिप को रेवन्ना के खिलाफ इन आरोपों को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हासन के लिए एनडीए प्रत्याशी के रूप में प्रज्वल रेवन्ना के नाम के ऐलान होना काफी चिंता का विषय है। ये कम्युनिकेशन गैप में है, उसका टिकट भी मिल गया। वो क्या हमारा 3 सीट दिया था ना जेडीएस को, वो उसका जिम्मेदारी था, वो पार्टी का प्रेसिडेंट क्या कुमार स्वामी और देवेगौड़ा का जिम्मेदारी था किसको उधर कैंडिडेट करना, किसको उधर लगाना था, वो सोचना था। सियासी बवाल और भूचाल के बीच सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता ने ही अगर शिकायत की थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों प्रज्वल को फिर से टिकट दिया गया। यही नहीं, सवाल इतने सम्मानित परिवार का भी है जिसमें देश के पीएम से लेकर कर्नाटक के सीएम तक है, और सवाल हजारों महिलाओं की बेबसी का भी है। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू करवा दी, लेकिन प्रज्वल फरार, परिवार सफाई दे रहा है, और चुनाव के बीच आए इस वीडियो कांड ने सियासी माहौल को इतना गर्मा दिया है कि अब सियासत का समीकरण कितना बदल पाएगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।